हेलो दोस्तों वेलकम टू स्लीपी क्लासेस हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जो आपके कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है ऑफ फरवरी जो कंडक्ट होना है uh, इसमें हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट टेन क्वेश्चन जो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए थे और आज हम नेक्स्ट टेन क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं तो चलिए पहला क्वेश्चन है द फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल इन नेचर बिकॉज ए

और ये कौन से केस में आया था के शिवनंद भारती केस के शवनंद भारती केस में हमने देखा था सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर जो कि फर्दर जुडिशियरी ध्यान में रखती है उसको जुडिशियरी देखेगी चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द प्रेजिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फर्स्ट स्टेटमेंट गवर्नमेंट इन अ प्रेजिडेंशियल सिस्टम आर मोर स्टेबल देन द पार्लियामेंट्री सिस्टम पहले स्टेटमेंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्टेबिलिटी से रिलेटेड है तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो गवर्नमेंट है है वो स्टेबल रहती एज टू पार्लियामेंट्री सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम में में तो हमने देखा था प्रीवियस क्लास कि हम कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में इंट्रोड्यूस करके सरकार को गिरा सकते हैं ठीक है फिर री इलेक्शन और वो सब चीजें होती है तो ये वाली स्टेटमेंट जो है करेक्ट है अब स्टेटमेंट टू देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम इंश्योर्स बेटर अकाउंटेबिलिटी शियल सिस्टम इंश्योर बेटर अकाउंटेबिलिटी ऑफ दी गवर्नमेंट तो यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अकाउंटेबल गवर्नमेंट जो हम लोग कहते हैं वो क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है आपकी हाउस में ठीक है दोस्तों इन अडेंशियल सिस्टम द सेपरेशन ऑफ पावर इज लूज देखिये एसओपी जो है प्रेजिडेंशियल में लूज नहीं होती है टाइट होती है प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंशियल फॉर्म में बहुत सेपरेशन ऑफ पावर्स है बहुत ज्यादा मतलब सेपरेट है ये तीन ऑर्गन्स ठीक है फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर हम पार्लियामेंट एक वर्ड यूज लिखते हैं पार्लियामेंट लिखते हैं तो उसमें लोअर हाउस भी आता है लोअर हाउस भी आता है और अपर हाउस भी आता है और प्रेसिडेंट भी आता है ये तीन जो है हमारे जब हम एक वर्ड सिर्फ बोलते हैं पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट इंक्लूड्स प्रेसिडेंट राज्यसभा लोकसभा या अपर हाउस या लोअर हाउस ये एक कलेक्टिव टर्म हम पार्लियामेंट यूज करते हैं ठीक है दोस्तों इसके बिना लॉ नहीं बनता कभी भी क्योंकि दोनों हाउसेज से पास होगा फिर प्रेसिडेंशियल एसेंट जो है प्रेसिडेंशियल एसेंट बहुत जरूरी है कानून को बनाने के लिए इसलिए पार्लियामेंट पार्लियामेंट जो है एक होलिस्टिक टर्म है इन तीनों के लिए यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग इज इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज स्विफ्ट यस ठीक है तो इसका आपका आंसर बनेगा ऑप्शन वन ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इमीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो स्टेटमेंट दन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द मीनिंग ऑफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये स्टेटमेंट बोलिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है कि वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज होती है ठीक है इंपीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड इन दी हाउस ऑफ पीपल ओनली ये जो क्वेश्चन है आपका हाउस ऑफ पीपल ओनली ठीक है दोस्तों तो अब पहली स्टेटमेंट जो है हम लोग ये देख लेते हैं वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन नहीं किया गया है यह डिफाइंड नहीं है ये टर्म सिर्फ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के वायोलेशन के ग्राउंड पे या उनके बेसिस पे अगर होता है तो हम प्रेजिडेंट का इंपीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं और

डेप्यूटी स्पीकर दूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्वेश्चन भी है Deekhi, हमारा जो होता है कभी भी ज्वाइंटिंग दोनों हाउसेज की ज्वाइंट बैठ, बैठती है तो उसका जो हैड होता है वो स्पीकर होता है स्पीकर नहीं होगा तो डेप्यूटी स्पीकर बैठता है अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो कौन बैठता है चेयरमैन नहीं बैठेगा चेयरमैन नहीं बैठता है कौन बैठता है डेप्यूटी चेयरमैन ठीक है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको ध्यान में रखना है आपने ठीक है दोस्तों तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है और थर्ड थर्ड स्टेटमेंट है इनोवेशन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग फ्रीक्वेंटली टेक्स प्लेस वेन एवर वेन एवर थर्ड केस है जब आप बिल को रिजेक्ट कर देता है पहला हाउस जब रिजेक्शन कर देता है हाउस पे जो बिल आया आपके पास उसको रिजेक्ट कर देता है तो भी डेडलॉक एमर्ज हो जाता है तो ये तीन केसेस है डेडलॉक वाले तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है वन एंड टू ओनली वन एंड टू ओनली ये स्टेटमेंट गलत है ठीक है दोस्तों कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिट पिटीशन तो पहली स्टेटमेंट है राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड

वो किसके पास है वो हाई कोर्ट भी एक्सरसाइज करता है आपका हाई कोर्ट भी एक्सरसाइज करता है अंडर आर्टिकल टू टू सिक्स सुप्रीम कोर्ट किसके अंडर करता है आर्टिकल थर्टी टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अगर हम बात करें कि पेरीफ्री किसकी ज्यादा है कौन सी वाइडर स्कोप है तो आपकी हाई कोर्ट की जो रिट है वो ज्यादा वाइडर स्कोप कवर करती है ये सिर्फ फंडामेंटल के परस्पेक्टिव में फंडामेंटल राइट के परस्पेक्टिव में है लेकिन हाईकोर्ट हमारा अदर देन फंडामेंटल राइट भी कवर करता है रिट के ही अंडर ठीक है दोस्तों तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली वन ओनली वन क्योंकि एक्सक्लूसिव नहीं है एक्सक्लूसिव नहीं है हाई कोर्ट भी करता है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द बिलो स्टेटमेंट वन है इट इज द पार्लियामेंट पहले तो देख लेते हैं क्या होता है देखिए होता है जब हमारा पार्लियामेंट कलेक्टिवली रिसेस में चला जाता है तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकालता है समन समन करता है हाउसेस को जिसका पीरियड जो है छह महीने से ज्यादा ना हो नॉट मोर देन सिक्स मंथ्स किसी भी सेशन के बीच में जैसे हमारे मानसून सेशन होता है विंटर सेशन होता है और इन सेशंस के बीच में मोर देन सिक्स मंथ्स नहीं होना होना चाहिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो दोस्तों प्रेसिडेंट समन करता है हाउसेस को ठीक है तो ये स्टेटमेंट ठीक है प्रोरो करना होता है किसी भी हाउस को उसको रिसेस में भेज देना रिसेस में भेज देना प्ररोग कर देना ठीक है दोस्तों तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इज दफिसर ऑफ दंसर्न हाउस और एडजर्न साइन आई एक होता है एडजर्नमेंट एडजर्नमेंट हम आपने नॉर्मली भी सुना होगा कि हाउस जो है एडजर्न हो गया अगर कभी हाउस में कुछ ऐसा कंडक्ट हो जाता है कि आपको आ, हाउस को प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लगता है कि हाउस कंट्रोल से बाहर जा रहा है तो हाउस जो है एडजर्न कर दिया जाता है बट जैसे वो टाइम बताता है उसमें कि हाउस इज एडजर्न टिल वन पी एम या टिल टू पी एम तो उसमें स्पेसिफिक टाइम मेंशन किया होता है मैं जर्न में कोई टाइम मेंशन नहीं किया होता है ठीक है दोस्तों तो स्टेटमेंट्स ये दोनों करेक्ट है इसका आंसर होगा सी जो क्वेश्चन नंबर एट है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में मैंने काफी देखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो देखिए इसको देखते हैं ध्यान से सेलेक्ट दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो तो स्टेटमेंट नंबर वन नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये भी देखेंगे ठीक है दोस्तों पहले क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेटमेंट थर्ड है

इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है स्टेटमेंट नंबर सेकेंड जो बी स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट है इसमें आपके नॉमिनेटेड जो मेंबर्स मेंबर्स देखिए नॉमिनेटेड ऑफ ऑफ आइदर हाउस द पार्लियामेंट ठीक है इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ठीक है दोस्तों ओनली इलेक्टेड करते हैं ओनली ओनली इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है दोस्तों ये इम्पीचमेंट प्रोसेस के दौरान पार्टिसिपेट करते हैं नॉमिनेटेड भी ओनली पार्लियामेंट के अंदर जो इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड वो सिर्फ जब रिमूवल होता है या इम्पीचमेंट होती है प्रेसिडेंट की तभी पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग में ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया देखिए ये स्टेटमेंट हम लोगों को कैसे आप देख सकते हैं कि ये आ, सही है या गलत है हम लोग जब प्रियम्बल पढ़ते हैं जो हमारा प्रियम्बल है प्रियम्बल की फर्स्ट लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया ठीक है वी द पीपल ऑफ इंडिया विच मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो संविधान है वो पावर किससे ड्रॉ करता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हम सभी सिटीजेंस के साथ

no money can be drawn from consolidated fund of india without passage of a appropriation bill in the parliament to so, ye statement bilkul sahi hai aap jo hamara consolidated fund of india hai consolidated fund of india hai इससे पैसा एक रुपया भी निकालना हो तो हमें एक bill pass करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग बजट जो हमारा money bill है उसको हम pass करेंगे तब वहां से पैसे निकलते हैं ठीक है दोस्तों Proper एक process है उसका The सबसे पहले तो ये देख लीजिए चार्ज एक्सपेंडिचर होता क्या है चार्ज एक्सपेंडिचर होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट की सैलरी गवर्नर की सैलरी ये सारी की सारी जो है वो चार्ज होती है किसपे चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे इस को ड्रॉप करना पड़ेगा और आंसर क्या है इसका ओनली वन तो आज के लिए हमने टेन क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं अगर आपको ये हेल्पफुल हो रहे हैं तो आप प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक like कीजिए ताकि हम नेक्स्ट इन फ्यूचर आपके आपकी हेल्प कर सके थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे